ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। आज भी याद है वो 26 जुलाई का कहर जिसने छीना था घर की छत, वो 26 जुलाई की बाढ़। नाम सुनकर हर कोई दहल उठता है। एक बार फिर 26 जुलाई की याद ताज़ा कर दी है। दीवा तो डूब गया, अब मुमरा भी डूब गया। हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखें ये पानी की लहर क्या कह रही है। इस पूरे इलाके में घर नहीं, पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। हजारों की तादाद में झोपड़े पानी में समा गई हैं। एक तरफ बारिश का कहर, दूसरी तरफ बारहवीं डैम खोल दिया गया है। पानी खाड़ी के तरफ जाने के बजाय खाड़ी के तरफ से पानी घरों में समा गई है। ये पूरा इलाका सुनसान सा दिखाई दे रहा है। लोग घर छोड़कर अपने रिश्तेदारों के घर तो ऊंची ऊंची इमारतों में जाकर ठहरे हैं और अपनी कीमती सामान को अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया है। कई लाखों का यहाँ पर नुकसान हुआ है। लोग अपने घर को छोड़कर चल दिए हैं और ऐसा बताया जा रहा है, आज सुबह से धीरे धीरे पानी भरते गया और उसके बाद लोगों में भगदड़ मच गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम आपको हमारे स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कैसे लोगों को बाहर निकाला गया। नाव चल रही है। यहाँ पर फिलहाल थाने महानगर पालिका की टीम, अमित गडकरी, सावले रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ग्राउंड फ्लोर पर रहने वालों का घर पूरी तरह से डूब गया है। घर में रखे सामान भी बह गए हैं। कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ से निकल नहीं पाए थे, जिनको नाव के जरिए, बोट के जरिए यहाँ तक हाथ गाड़ी पर बैठाकर उन्हें यहाँ से बाहर निकाला गया है। ये पानी देखकर कोई नहीं कह सकता 26 जुलाई की बाढ़ यहाँ पर नहीं आई है। सब कुछ छोड़कर यहाँ चले गए, मजबूरन उन्हें यहाँ से निकलना पड़ा है और लोगों में काफ़ी डर समाई हुई है। आखिर उनकी कीमती सामान का क्या होगा। ये जो बारिश आप देख रहे हैं, जो पानी भरा हुआ है, ये पानी और भी बढ़ेगा ऐसा लोगों का कहना है। फिलहाल मैं एक महले पे हूँ, मैं नीचे किस तरह से आवाज़ दे रहे हैं आप देख सकते हैं कहाँ तक पानी भरा हुआ है। हम खुद उस पानी के अंदर जाकर दिखाते हैं आपको कि कितना पानी है, कहाँ तक पानी आ चुका है। यहाँ से आप देखेंगे तो पूरा ये भरा हुआ है, पूरा पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ये खाड़ी जो है, जैसा कहा जाता है कि एक तरफ मुमरा में एक तरफ पहाड़ी और दूसरी तरफ खाड़ी, तो पहाड़ी के लोग सेफ है लेकिन खाड़ी के लोग जो है सेफ नहीं है। देखिए कितना पानी है। और यहाँ पर जो है ठाणे महानगर पालिका के जो है सह आयुक्त जो है नाव से जा रहे हैं, हम उनसे जानते हैं लोगों को किस तरह से वो निकाल रहे हैं। सर, क्या माहौल रहा है अब तक? तो कई इलाकों में पानी भर चुका है और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में और कमिश्नर सर ने हमको यहाँ पे बोडी, माननीय आमदार जी आवाड़ साहब, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गोसावी साहब, मेरा पूरा स्टाफ यहाँ पे मौजूद है। अलग अलग जगह पे हम लोग काम कर रहे हैं। आज ये एरिया में भी हम बोट लेके आए, कुछ नगरसेवक राजन किणी साहब ने भी उनकी खुद की दो बोटें दी है हमको पब्लिक को शिफ्ट करने के लिए, तो हमारा काम जारी है। सर, यहाँ पे जो लोग डूबे हैं, जो जिनके घर डूब गए हैं, उनको कहाँ शिफ्ट किया गया है? दे उनको अभी कॉरपोरेशन के स्कूल, प्राइवेट स्कूल में शिफ्ट किया है, MTNL के ऑफिस में शिफ्ट किया है। जहाँ जहाँ जगह मिली वहाँ वहाँ हमने शिफ्ट किया है। ये आपका पूरा दीवा मुमरा प्रभाग समिति आपका पूरा है जो है, कहाँ कहाँ पर इस तरह से जल भरा हुए है? यहाँ पे आनंद कोलीवाड़ा है, चांद नगर है, दौलत नगर है, ये एरिया है और बाबा जी पाटिल एरिया और MM वैली में पानी भरा है वहाँ पे। लगभग कितने घर डूबे होंगे आपको ये तो शाम को सब फिगर आएगी अलग अलग एरिया से, तभी मैं बता पाऊंगा। देखिए ये सहायक आयुक्त हैं जो मुमरा प्रभाग समिति के नाव के जरिए जो है लोगों को ढूंढ रहे हैं कि कौन फंसा हुआ इस पानी के अंदर, इस पानी के तेज बहाव के अंदर कौन फंसा हुआ। फिलहाल वो जायजा ले रहे हैं। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं जिस जगह पर हम हैं, ये पानी कितना भरा हुआ है और आगे काफी पानी भरा हुआ है। लोग जो है यहाँ पर मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। थाने महानगर पालिका जो है अपनी पूरी जो है कोशिश कर रही है यहाँ से लोगों को निकालने के लिए। हम इस चाली के अंदर हैं, ये चाली के अंदर जो है हम लोगों से जानते हैं कि लोग यहाँ पर कैसे रह रहे हैं। जो पहले माले के लोग हैं वो काफी सेफ है लेकिन जो ग्राउंड फ्लोर के लोग हैं वो उनके घरों में पूरी पानी भर गई है, पूरी तरह से पानी भर गई। आप देख सकते हैं कितना पानी भरा हुआ है। लोग यहाँ पर काफी उत्साहित हैं जो है, काफी मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। हालांकि ठाणे महानगर पालिका भी जो है अपनी पूरी कोशिश कर रही है। ठाणे महानगर पालिका, ये देखिए ये दरवाजा है, ये दरवाजा देखिए कितना पानी अंदर पानी पूरा घुसा हुआ है। पूरा घर का जो सामान है पूरा खराब हो चुका है। ये देखिए मैं आपको और
और दिखा रहा हूँ, ये एक घर देखिए, जिनका घर है वो अपने सामान को बचाने में लगे हैं, जो है ये घर है उनका, हर चीज पौड़ रहा है यहाँ पर, जो है कोई भी सामान सुरक्षित नहीं बचा है, हर चीज इनका खराब हो चुका है। अल्ताफ हुसैन, ये आपका घर है? हाँ मेरा घर। तो आप अभी कुछ सुरक्षित बचा है कि सब डूब गया? सब डूब गया, कुछ नहीं बचा है अभी। कितना नुकसान हुआ रहेगा आपका? लगभग कुछ नहीं तो 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ मेरा। सब डूब गया, फिलहाल सब डूब गया है इनका, जो कुछ भी बचा नहीं पाए हैं, और जो उनके घर वाले थे वो रिश्तेदारों के यहाँ शिफ्ट किया है। और वे देखिए, ये देखिए फ्रीज अभी निकाला जा रहा है, वह देखिए किस तरह से लोग मदद कर रहे हैं सामान निकालने के लिए। और मैं जानना चाहूंगा, क्या नाम है भाई आपका? फैजल। क्या बचा है आपके रूम में? कुछ बचा है? अरे सब कुछ डूब गया। सर हमें जरा भी जानकारी नहीं दी गई कि डैम खोला जा रहा है, पहले तो अलाउमेंट करना चाहिए था, कोई जानकारी नहीं, अचानक पानी भरना चालू हो गया घरों में। क्या नाम है? मोहम्मद अयूब। कहाँ रहते थे आप? इसी में? हाँ इसी में। क्या बचा आपका? कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा? कुछ नहीं बचा। कोई मदद के लिए आपको आया? कोई नहीं। कोई नहीं? कोई नहीं। आप लोग कैसे जा रहे हैं, कहाँ शिफ्ट हुए? अरे वो रिश्तेदार है उनके यहाँ जा रहा हूँ। यहाँ पर जितने लोग हैं सब रिश्तेदारों की मदद ले रहे हैं, रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं, लेकिन सामान जो उनका है वो सामान पूरा का पूरा पानी में समा गया है। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर नाव के जरिए जो है लोगों को निकाला जा रहा है। ये महिलाएं अभी तक अंदर ही फंसे थे, जिसको अभी यहाँ पर जो लोग हैं ये नाव के जरिए लोगों को निकाल रहे हैं। परेशान हो गए हम लोग यहाँ पे, जल्दी से बच्चों को निकाल रहे हम लोग बोट से। कोई पानी की बोट है नहीं, मोटर बोट है नहीं, हम हाथ से खींच के ले जा रहे हैं। हम तो मेरा महबूब आलम शेख है। काफी मदद कर रहे हैं यहाँ पर जो लोग हैं, काफी काफी मदद कर रहे हैं। बोट के जरिए जो है लोगों को निकाला जा रहा है, कुछ लोग जो फंसे हुए थे उनको अब बोट के जरिए निकाला जा रहा है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कुछ लोग जो स्थानीय है वो काफी मदद कर रहे हैं, जो है पूरा पानी पानी भरा हुआ है, आप देख सकते हैं वो बोट से उनको निकाला गया है और वो कादर पैलेस में शिफ्ट करेंगे। बहरहाल जो है उनको वो अपने फैमिली किधर जा रहे हैं, ये देखिए बाइक है डूब गए, जो हम खड़े हैं इधर ये एकदम किनारे पर खड़े हैं, तो यहाँ पर इतना पानी है और यहाँ की पूरी चालियाँ डूबी हुई है, और हम जहाँ आपको दिखा रहे थे वहाँ पर काफ़ी गहरा पानी है, जहाँ पर कोई जा नहीं सकता है। और मुंबई ने जो है पहले से अलर्ट करके रखा था, हाई टाइट करके रखा था, बोट के जरिए जो है लोगों को पहुँचाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो यही आवाज़ लगा रहे हैं कि उनको खाने का जो व्यवस्था है उनका करना चाहिए। जो यहाँ पर 14 से 15 घंटे बीत चुके हैं इस पानी के अंदर, लोग जो है अपना घर परिवार लेकर बैठे थे और उन्हें जो है किसी तरह से यहाँ पर मदद किया जा रहा है। कैमरामैन रहमान के साथ फिरोज हाशमी, प्रहार टाइम्स, मुमरा।